मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इंग्लिश ग्रामर टॉपिक डिटर्मिनर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लिसन इट वेरी केयरफुली. अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक. यस, डेफिनेशन. अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस एंड क्लैरिफाइज द नाउन. इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन. डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में नाउन को क्लैरिफाई करते हैं. नाउन आपको पता है क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ का नाम. ठीक है, उनको क्लैरिफाई करने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? डिटर्मिनर्स. अंडरस्टैंड? इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन. डिटर्मिनर्स हमेशा सेंटेंस में नाउन से पहले लगते हैं, नाउन के बाद कभी भी नहीं लगेंगे. ओके, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. माय बुक, सम मिल्क, दिस चेयर. अब यहाँ पे बुक, मिल्क, चेयर, ये सब क्या हैं? नाउन हैं. और उनको क्लैरिफाई कौन से वर्ड्स कर रहे हैं? माई, सम, दिस. तो दीज आर डिटर्मिनर्स. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे खाली बुक, मिल्क, चेयर होता तो हमें कैसे पता चलता कि हम किसकी बुक की बात कर रहे हैं, या फिर जो मिल्क है वो कितना है, और जो चेयर है वो किसकी चेयर है, कौन सी चेयर है. ठीक है, तो हमने नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए वर्ड्स यूज़ किए और वो क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स. Understand? Now, types of determiners. There are four types of determiners. Okay? First one is article determiners. Second one, possessive determiners. Third one, demonstrative determiners. And the last one is quantified determiners. ठीक है, अब हम इन types के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इनको जानेंगे. Okay? Now, first one is article determiners. आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द. ओके, अब हम आर्टिकल्स को सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं? ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स द. इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हमें डेफिनेट थिंग की बात नहीं करते हैं, पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं पता होता है. वो कौन से आर्टिकल्स होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. Now, let us take some example of indefinite articles. First one is, an ostrich would beat a chicken in a race. अब इसमें हमने किसी ostrich का नाम mention नहीं किया है. अब कोई भी ostrich हो सकता है. अब ऐसे ही chicken, कोई भी chicken हो सकता है जिसने, किसी भी ostrich ने किसी भी chicken को हरा दिया. तो यहाँ पे हमें definitely नहीं पता कि हम कौन सा ostrich की बात कर रहे हैं. तो ये क्या हुआ? Indefinite articles. Okay? Now, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. अ गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड. एक लड़की बाहर खड़ी है. अब यहाँ पे गर्ल्स तो बहुत सारी होती हैं और हमें डेफिनेटली, हमें यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया किसी का नाम. तो ये क्या हुआ? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अंडरस्टैंड? नाउ डेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल्स होते हैं? द. डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर थिंग की, पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, डेफिनेट उसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है. वो कौन से आर्टिकल्स होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन. अब रेस्टोरेंट तो बेटा बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बेस्ट रेस्टोरेंट की बात की, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? डेफिनेट आर्टिकल. अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ताजमहल इज प्लेस्ड इन आगरा. अब ताजमहल क्या है? एक मॉन्यूमेंट है. मॉन्यूमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हमने यहाँ पे ताजमहल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? डेफिनेट आर्टिकल्स. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ पोजेसिव डिटर्मिनर्स. पोजेसिव डिटर्मिनर्स, अब जो पोजेसिव वर्ड है वो कहाँ से आया है? पोजेशन से, जिसका मतलब होता है बिलोंगिंग्स, किसी चीज़ से बिलोंग करना. अंडरस्टैंड? पोजेसिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं? माई, हिज, हर और आर, ये सब क्या होते हैं? पोजेसिव डिटर्मिनर्स. नाउ सी द डेफिनेशन. इट इज़ यूज व्हेन वी नीड टू रेफर टू अ नाउन दैट बिलोंग्स टू समवन. ये डिटर्मिनर्स तब यूज़ किए जाते हैं जब हम सेंटेंस में नाउन जो है उसको हम किसी चीज़ से, किसी इंसान से या फिर किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हैं. ओके, जब हम कि ये चीज़ उसकी है, ऐसे करके हम पोजेशन बताएं उस चीज़ को, बिलोंगिंग्स बताएं उस चीज़ की, तो वो क्या होंगे? पोजेसिव डिटर्मिनर्स. अंडरस्टैंड? नाउ फॉर एग्जांपल, वेयर इज़ योर कार. अब हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कार कहाँ है, तो वो क्या है? कार उससे बिलोंग करती है, तो वो क्या हुए? पोजेसिव डिटर्मिनर्स.
ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, इट्स हर बास्केट, कि जो बास्केट है वो उसकी है, तो ये भी क्या हुआ, पोजेसिव डिटरमिनेंस, कि ये बास्केट उससे बिलोंग करती है. अंडरस्टैंड? नाउ द थर्ड वन, डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनेंस. देखिए अब डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनेंस कौन कौन से डिटरमिनेंस होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये फोर टाइप्स के डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनेंस होते हैं. नाउ सी द डेफिनेशन, दीज डिटरमिनेंस शोइंग हु और व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू. कि अब ये डिटरमिनेंस, हम इस डिटरमिनेंस में किसी चीज़ को जब हम पॉइंट आउट करके बताएं कि इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या है और किसकी है, ये सब जब बताते हैं, वो कौन से डिटरमिनेंस होते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनेंस. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल, डू यू वांट दिस पीस ऑफ क्लॉथ, अब हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें, अब कोई पीस का, कोई क्लॉथ का टुकड़ा है उसका दिखाते हैं कि तुम्हें ये टुकड़ा चाहिए, ठीक है, तो हमने ये क्या किया, शो किया उसको, ठीक है, पॉइंट आउट किया क्लॉथ को. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू वियर दैट ड्रेस, कि मुझे ये ड्रेस नहीं पहनी, तो हमने यहाँ पे ड्रेस को पॉइंट आउट किया, तो ये क्या हुआ, डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनेंस. ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देखिए, दीज मैंगोज आर सॉर, कि ये जो मैंगो हैं ये ख़राब हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी मैंगो को पॉइंट आउट किया. ऐसे ही लास्ट वन, दोज बुक्स आर माइन, कि ये जो वहाँ पे बुक रखी थी ये मेरी है, ठीक है, तो ऐसे हमने उसको पॉइंट आउट करके बताया कि हाँ वो वाली बुक मेरी है. अंडरस्टैंड? नाउ द लास्ट वन इज क्वांटिफाइड डिटरमिनेंस. क्वांटिफाइड डिटरमिनेंस कौन कौन से होते हैं, ऑल, फ्यू, मैनी, ठीक है, ये तीनों क्वांटिफाइड डिटरमिनेंस होते हैं. नाउ सी द डेफिनेशन, क्वांटिफाइड डिटरमिनेंस आर डिटरमिनेंस दैट इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटल ऑफ नाउन इज बीइंग टॉट अबाउट. ओके, अब क्वांटिफाइड में हम क्वांटिटी वाइल वर्ड जो है वो क्वांटिटी से आया है, अंडरस्टैंड, जिसमें हम सेंटेंस में नाउन की क्वांटिटी के बारे में बात करें कि नाउन जो है वो कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, कितनी बड़ी है. ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिफाइड डिटरमिनेंस. फर्स्ट वन इज़ माय मदर लाइक्ड ऑल गिफ्ट्स इक्वली, कि मेरी मदर को सारे गिफ्ट, तो सारे क्या हुआ यहाँ पे, क्वांटिटी हुई गिफ्ट्स की, ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्वांटिफायर डिटरमिनेंस. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सैम हैज़ बोरोड सम बुक्स फ्रॉम मी, कि सैम ने मुझसे कुछ बुक्स खरीद दी, तो कुछ क्या हुआ यहाँ पे, बुक्स की क्वांटिटी हुई, तो इट इज़ ऑल्सो क्वांटिफाइड डिटरमिनेंस. ऐसे ही लास्ट वन देखिए, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में आज एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या हुआ, बच्चों की क्वांटिटी हुई, ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्वांटिफाइड डिटरमिनेंस. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.